यूके का जो इनका ऑफिशियल अकाउंट था उसमें भी इसके डोनेशन बकायदा उसकी रीजन ऑफ ट्रांसफर उसमें डोनेशन लिखा हुआ था। तो मैंने अनवर साहब से एक दिन पूछा भी था, मैंने कहा जी एक कोई एक इंडियन नेम्स है मीना कुमारी एंड स्टफ लाइक दैट एंड मिस्टर गांधी एंड सो एंड सो, और मैंने कहा दे आर इंडियन नेशनल दे आर सेंडिंग डोनेशन टू MQM यूके इन लंडन। तो मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता कल कोई ऐसी बात हुई तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जी हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, डोनेशन तो हमें कोई भी दे सकता है। तो मैंने कहा जी इंडियन नेशनल और इंडिया के लोग पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन क्यों देंगे, इसका कोई रीजन आप दे सकते हैं कल को अगर आपसे कोई पूछेगा तो? कहा वो जब वक्त आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। यूके के अकाउंट्स बहुत मॉनिटर हो रहे थे तो इन्होंने एक कंपनी बनाई यूरो प्रॉपर्टी लिमिटेड, जो मुझे जहां तक पता है, जो मुझे अनवर साहब ने बताया, यूरो प्रॉपर्टी नाम की एक कंपनी बनाई जिसके मेजर शेयर होल्डर जो थे वो अल्ताफ भाई थे। उसके बाद उसके कुछ परसेंटेज शेयर होल्डिंग की अनवर साहब की और तारिक मीर साहब की, और तारिक मीर साहब उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी थे। तो मेजर शेयर होल्डर चूंकि मेरे ख्याल में 95% शेयर होल्डर जो है वो अल्ताफ भाई साहब खुद थे। उसमें ये पैसे उधर से आ रहे थे दुबई से, यही कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो पैसे भेज रही थी उनका एक दिस अकाउंट। और बेसिकली तो देखा जाए तो इट वॉज मतलब उसके साथ कुछ होना तो नहीं था, पैसे मंगवाने के लिए एक कंपनी बनाई गई। फिर आपको दोबारा क्लियर करता चलूं कि मैं किसी चीज का कोई एलिगेशन कोई एलिज नहीं कर रहा, जो स्कॉटलैंड यार्ड की फाइंडिंग्स है इस पेपर में जिसके मुताबिक इनको रॉ से फंडिंग मिलती थी, जिसका कंफेशनल स्टेटमेंट अनवर साहब और तारिक मीर साहब दे चुके हैं, मैं और ये लोग दुबई बेस्ड कंपनी भेज रही थी, तो वो सिर्फ इस यूरो प्रॉपर्टी में आ रहे थे। और इस यूरो प्रॉपर्टी में सिर्फ इन्होंने एक प्रॉपर्टी आखिरी में खरीदी है, और वो अभी जो इनके कन्वीनियर है और जो अगले से फसल आ रहे हैं नदीम नुसरत साहब, ये उनके लिए जो घर खरीदा गया उनकी आवत के बाद यूरो प्रॉपर्टी के नाम पर, तो उस से पैसे दिए गए इस प्रॉपर्टी के लिए। मेरे सामने इस वक्त अवेलेबल है, उन्होंने ये कहा कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त तक जो हमें करनी थी वो हमने मुकम्मल कर ली है, और उन्होंने कहा जी अब इस वक्त हमारे पास इस डेट पे उन्होंने ये लेटर इशू किया, उन्होंने कहा इस डेट पे हमारे पास इतना क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जिस पे हम आपको आज चार्ज करें, लेकिन आर इन्वेस्टिगेशन स्टिल कंटिन्यू, लेकिन हमें मजीद आपके इंटरव्यू नहीं कर रहे, इसलिए हमें आपको पुलिस वेल पे रखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप आराम से आप अपना घूमे फिरो। और पहले भी उन्होंने किसी चीज के लिए ना नहीं की थी या उन्होंने मना नहीं किया था कि जी हमें नहीं मिलना या हमें मतलब आपको वो नहीं करना, वो उसी तरह से चल रहा था मामला। अगर इस बेल से किसी को थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिली है तो वो मुझे मिली है, क्योंकि मेरा पासपोर्ट क्योंकि मैं पाकिस्तानी नेशनल था वो इनके पास था, और वो मुझे हर वक्त लेना पड़ता था जब मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, उसके लिए मुझे सिक्योरिटी